हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग इन स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये इन स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर है क्या? ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप थंबनेल वगैरह या फेसबुक पेज पोस्टर वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करने के लिए फ्लैटहब का यूज करेंगे, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको फ्लैटहब का यूज करना पड़ेगा। तो फ्लैटहब को किस प्रकार से सेटअप किया जाता है काले लिरिक्स में, ठीक है, तो उस चीज़ का वीडियो बना चुका हूँ और वो हमारे काले लिरिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फ्लैटहब के नाम से। ओके, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्लैटहब सबसे ज़्यादा मैं फ्लैटहब का ही अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई अदर फॉर्मेट पे भी यूज कर सकते हैं। डेबियन का भी बना हुआ है वीडियो, तो आप जाके डेबियन का भी देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो फ्लैटहब को, जो सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो डिब में भी देखो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका सब में अलग अलग होता है। लिरिक्स बेस में सबसे ज़्यादा अलग अलग फॉर्मेट में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको जो है विंडोज़ में काफ़ी आसान तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाती है, बट इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और काफ़ी सारा मशक्क़त भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम जो है आसान तरीका ढूंढते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो इन स्क्रिप्ट को आपको यहाँ से आप कुछ नहीं करना है, इन स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप को फॉलो किया हूँ वैसे वैसे आपको भी फॉलो करके यहाँ तक आ जाना है। उसके बाद इसको कॉपी कीजिए और टर्मिनल को ऑन कीजिए, अपने अपने टर्मिनल को काले लिरिक्स में, और उसके बाद इसको पेस्ट कीजिए। आपको पेस्ट करने आता होगा, ठीक है। इतना वीडियो में आए हो तो आपको पता ही होगा पेस्ट कैसे किया जाएगा। राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हो या शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। जैसे हम एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपसे परमिशन पूछेगा, तो आप यहाँ पे यस कर देना और यस करके एंटर हिट करोगे तो ये जो है आपका इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ समय लेगा आपका, तो इसको होने देते हैं, ठीक है। इसको हम कंप्लीट होने देते हैं तब तक, ठीक है। यहाँ पे टोटल चीज़ को अपडेटिंग कर रहा है, ठीक है, अपडेटिंग कर रहा है। इसके बाद पैकेज को आपका इंस्टॉल करेगा, ठीक है। ये पूरे तरीके से आपका अपडेट फाइल मिलता है और अपडेट सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है। और काली लिरिक्स बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा आईएसओ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज से बहुत अच्छा है गाइस। काली लिरिक्स में बहुत एडवांस तरीके से आप यूज कर सकते हो काली लिरिक्स को, ठीक है। मेरा एक ही मोटिव है कि काली विंडोज़ से बच्चों स्टूडेंट को और बच्चे को शिफ्ट करना काली लिरिक्स पे, ठीक है। आप इसे बहुत एडवांस तरीके से वर्क कर सकते हो इस पर, क्योंकि अधिकांश मैं जानता हूँ जो कि काली विंडोज़ ही यूज करते हैं लोग। तो यार विंडोज़ जो है वो पेड सॉफ्टवेयर पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप उसे फ्री में यूज कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप जब देखो लैपटॉप जो आपका मिलता है वो लैपटॉप सस्ते में मिलता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्राइस 15,000 रुपया हो जाता है। ओरिजिनल जेन्युइन लाइसेंस खरीदने जाओगे तो प्रो वाला, ठीक है। तो यही सब चीज़ पर ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। और आपका सिर्फ लैपटॉप जो है सस्ता में मिल जाएगा, तो सिर्फ लैपटॉप ले लो और वन टू सबसे ज़्यादा वन टू को यूज करो, और नहीं तो काली लेयर्स को यूज करो डाल के,
हालांकि आप विंडोज़ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टीचर नहीं है तो आप विंडोज़ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे सर्च बार में जाओगे यहाँ पे, या एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो यहाँ पे इनस्क्रिप्ट लिखोगे तो आपका मिल जाएगा इनस्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, या इसके बाद वाला आप कमांड को कॉपी पेस्ट करोगे तो वही सॉफ्टवेयर को आपका ऑन हो जाएगा। इस वाले कमांड को भी आप कॉपी करते हो। अब डिफ़ॉल्ट में मैं ब्लैक, डिफ़ॉल्ट वाइट में मेरे को पसंद नहीं है तो मैं डिफ़ॉल्ट जो है ओके चेक बॉर्डर ओके चलो ये कलर हमको अच्छा लगता है। डार्क में लेना हमको जो है डार्क कलर हमको काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो डार्क में लेकर मैं सेव कर दूंगा, थैंक्स कर लूँगा, और यहाँ से मैं कोई सा भी प्रिंटिंग वीडियो सोशल मीडिया स्क्रीन ओके तो अपने हिसाब से यहाँ से डॉक्यूमेंट उठा सकते हो, और न्यू डॉक्यूमेंट मैं करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट में उठा लेगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कृता सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। ये जो है आपका काम ये ख़त्म हुआ। अब इसे क्लोज कर दो ब्राउज़र को, सॉरी मैंने उसको ही क्लोज कर दिया, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और देखो जो मैंने कमांड को कॉपी किया आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यहाँ से भी आपका इनस्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएंगे इस कमांड को डालते ही, ठीक है। देख सकते हो कमांड को भी डाल के आप इनस्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। हालांकि आप ग्राफिकली ओपन करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, इसमें तो सबसे ज़्यादा आप कमांड से ही यूज करोगे, बट ये सब हटाना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आपके लिए ओके। तो यहाँ पे आपका जो है एक मिनट, दो बार खुल गया शायद सॉफ्टवेयर, कोई दिक्कत नहीं है, इसे क्लोज कर देते हैं। चलो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनस्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।